पीकू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम सीखेंगे सी मेजर स्केल। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सी मेजर स्केल। अगर आपने अभी भी गिटार सीखना शुरू किया है तो दिस लेसन इज़ फॉर यू। इस लेसन से आपकी लेफ्ट हैंड की एक्सरसाइज होगी, जिससे कि आपकी फिंगर्स थोड़ी खुलेंगी और आप थोड़ा दूर फ्रेटबोर्ड में भी धीरे धीरे जा पाओगे। सो ग्रैब योर गिटार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको स्ट्रिंग्स के नेम पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, आप देख सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। दिस स्ट्रिंग इज ई, नेक्स्ट इज ए, देन इज डी, जी, बी एंड ई। ओके, ई ए डी जी बी ई। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सी मेजर स्केल में हमारे पास होते हैं 7 नोट्स, सी डी ई एफ जी ए बी। तो लास्ट में हम सी एक ऐड कर देंगे जो कि हाई नोट होगा। जैसे ये वाला सी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज लो सी, इसकी आवाज़ भारी है मेरी तरह, ठीक है। और ये वाला जो सी है ये तीखा है थोड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ तक जाएंगे। एक्चुअल हमारे पास 7 नोट्स होते तो हम टोटल यहाँ तक जाएंगे, जो कि हम 7 नोट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सी और सी जो नोट है वो सेम है, बस उनमें क्या है कि पिच का डिफरेंस है। एक की कम पिच है, मतलब लो पिच है, एक की हाई पिच है। तो वैसे हमारे पास कितने नोट्स हुए, सी डी ई एफ जी ए बी, दैट इज 7 नोट्स। और अगर हम लास्ट वाला सी काउंट कर ले तो 8 हो जाएंगे, लेकिन सी एंड सी इज सेम, सो देर आर 7 नोट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नोट हमारा होगा 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट जो कि हम प्ले करेंगे रिंग फिंगर से, तो आपको प्ले करना है 1st फ्रेट 1st फिंगर, 2nd फ्रेट 2nd फिंगर, 3rd फ्रेट 3rd फिंगर एंड 4th फ्रेट 4th फिंगर। यहाँ तक हम जाएंगे नहीं, वैसे हम यहीं पे रहेंगे। तो 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिंग प्ले करेंगे, 3rd फ्रेट मतलब 3rd फिंगर यूज़ करेंगे, तो 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिंग। ओके, अब नेक्स्ट नोट देखो, नेक्स्ट नोट हमारा होएगा 4th स्ट्रिंग ओपन, डी नोट, ये है डी। फोर्थ स्ट्रिंग ओपन मैंने आपको बताया था, ई ए डी, ठीक है। अगला नोट हमारा हुआ डी, सी के बाद डी आएगा, तो ये क्या बना, ओके सी डी। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट क्या हमारा, ई। तो ई कौन सा नोट होता है, दिस वन, सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग इज ई। ओके, नेक्स्ट नोट हमारा क्या है, एफ। एफ क्या है, बिल्कुल इसके आगे वाला। ओके, हमने भी सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग में क्या प्ले किया, ई। थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग में क्या होगा, एफ। थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग इज एफ। ओके, तो टोटल कितने नोट्स हो गए, ओके तो अभी हमने कितना कर लिया। तो अब इस तरह ध्यान में देना कि मैं कभी थंब यूज कर रही हूँ, कभी मैं फिंगर यूज कर रही हूँ। अगर आप पिक के साथ सीख रहे हो तो आप पिक के साथ भी प्ले कर सकते हो, ओके बट अगर आप पिक के साथ प्ले नहीं कर रहे हो तो आप थंब के साथ प्ले कर सकते हो। नोट जो बेस नोट्स हैं वो आप थंब के साथ प्ले कर सकते हो, और जो फिंगर जो हाई पिच नोट्स हैं, जो मेलेडी नोट्स होते हैं, ये नीचे वाले जो होते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उनको मेलेडी नोट्स बोलते हैं, और ऊपर वाले 3 जो होते हैं वो बेस नोट्स होते हैं। तो नॉर्मली नीचे वालों को इन 3 फिंगर से यूज़ करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं फिंगर, मतलब मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो 6th 5th और 4th नोट हैं ये हम थंब से प्ले करते हैं यूजुअली। ओके, तो अभी हमारा कितना हो गया, ओके सी डी ई एफ। उसके बाद अगला नोट क्या हुआ, जी। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जी क्या है, दिस नोट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन इज जी, थर्ड स्ट्रिंग ओपन इज जी। आपको इसको नोट्स के साथ ही याद करना है, क्यों, क्योंकि इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि नोट्स क्या होते हैं। अभी आपको फ्रेटबोर्ड सिर्फ एक खाली मैदान दिख रहा होगा, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, आगे खाली सा दिखता होगा। जब मैंने एक नोट सीख लेते तो मुझे दिखता था कि ये सी है, ये ई है, ये एफ है। तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए आपको नोट्स के साथ ही याद करना है। ओके, सो नेक्स्ट नोट हमने कौन सा प्ले किया, जी, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन। ओपन का मतलब है कि हम यहाँ पे कोई फिंगर नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे फिंगर रखी है तो वो ओपन नहीं होता, तो अभी हम ओपन कर रहे हैं स्ट्रिंग प्ले। तो ये क्या बना, ओके
अब नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट नोट हमारा है ए, तो ये नोट ए है, सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, दिस इज ए, तो ये क्या हुआ हमारा ए, तो ये टोटल क्या बना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्ले करेंगे बी, ए के बाद आएगा बी, बी कौन सी स्ट्रिंग थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज सेकंड स्ट्रिंग ओपन। मुझे ना इससे वो याद आ रहा है, सेकंड स्ट्रिंग ओपन से मुझे वो याद आ रहा है नारुतो में गाय सेंसेई, एट्थ गेट ओपन, सिक्स गेट ओपन, मुझे वो याद आ रहा है। ओके सो बी, सो हम क्या, हम कौन से नोट पे थे, बी नोट पे, बी नोट कौन सा होता है, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, ओके सेकंड स्ट्रिंग ओपन। तो हमने सेवन नोट्स कर लिए, पर मैंने आपको क्या बोला था कि हम सी पे ख़त्म करेंगे, लो पिच सी से हाई पिच सी में हम ख़त्म करेंगे, जो कि नॉर्मली हम हमेशा करते हैं, मतलब जो भी हम सी मेजर स्केल या कोई भी स्केल करते हैं उसमें हम यूजुअली ऐसे ही ख़त्म करते हैं, लोअर नोट से हायर नोट तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, या उसके आगे भी जा सकते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में कर रहे होते तो हम आगे भी जा सकते थे, पर हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने बी तक कर लिया, दैट इज़ ऑन सेकेंड स्ट्रिंग ओपन। तो उसके बाद हमारा लास्ट जो नोट है वो है सी, जो कि है यहाँ पे, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, ओके। मैं देख रही थी कि आ रहा है ये वाला पार्ट, मैं कहीं ऐसी बनाई जा रही वीडियो में, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, तो ये टोटल क्या साउंड करेगा देखो, जाएंगे वापस उल्टी डायरेक्शन में, तो सेम जो आपने नोट्स प्ले करे हैं वही आपको प्ले करना है, पर हम उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, ये नोट सी बी ए जी, ओके सी दोबारा करते हैं, सी फिर बी फिर ए जी, जी के बाद पहले क्या आता है एफ, एफ के पहले क्या आता है ई डी एन सी, है ना, यही बनेगा ना, बस आपको उल्टा आना है, बिल्कुल उल्टा, सी डी एफ जी ए बी सी का उल्टा। तो हम वापस आके देखते हैं एक बार, तो सबसे पहला नोट कौन सा होगा, फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग सी नोट, अगला नोट क्या होगा बी विच इज सेकंड स्ट्रिंग ओपन, एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा ए, ए कौन सा था, दिस नोट सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग इज ए, फिर हम आएंगे जी में, जी कौन सा होता है थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फिर हम आएंगे जी करने के बाद फिर हम किस में आएंगे एफ में, एफ कौन सा नोट है दिस वन थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, फिर एफ के बाद हमारा आएगा ई, ई नोट इज दिस वन, ओके दिस इज ई नोट विच इज ऑन सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, उसके बाद हमारा क्या हुआ डी, डी कौन सा था, कौन सा था डी, डी था हमारा फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, एंड देन सी थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, तो आपको जब वापस आना है तो आपको फिर से ये सी नोट प्ले करना है, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना है देखो, ओके तो आपको ये दो बार प्ले करना पड़ेगा सी नोट, आपको इस स्पीड में सीखना है इसको, पहले आप इसको बिल्कुल स्लो स्पीड में करना, उसके बाद इस स्पीड में आना, ओके इस स्पीड में जब आप सीख लोगे तो मतलब आपने इसको सीख लिया है पहले, और इसको आप जब प्ले करोगे तो इसको स्लो मोशन में करना, ठीक है, जितना स्लो हो सके उतना स्लो, लाइक दिस, तो स्लो मोशन में ये ऐसा साउंड करेगा, thank you.
ओके आप इससे भी स्लो कर सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे, पर आपको गैप जो है बीच में बिल्कुल ठीक रखना है, तो मतलब सेम रखना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय।